नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IRB ब्लॉग्स और IRB ब्लॉग्स में मैं आज आपको एक्सी एसेसरीज दिखा रहा हूँ जो आपके एसेंशियल भी है और नहीं भी है। एसेंशियल इसलिए है कि अगर आपके पास हार्ले है और आप उसे डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हैं और कहीं पे भी पब्लिक पार्किंग में उसे पार्क कर देते हैं तो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं हार्ले ओनर्स के टैंक में लॉक नहीं होता। टैंक जो है बहुत ईजिली, बिना कोई की नहीं है इसमें, और ये जस्ट लाइक आपके जार के जस्ट लाइक आपके कैन की तरह, जैसे जार आपका जैम का जार होता है उसका ढक्कन खुल जाता है, वैसे ही ये खुल जाएगा बिल्कुल जार की तरह। तो एक अलग से एक्सेसरीज हार्ले इसके लिए उतारती है। ओरिजिनल हार्ले का ये लॉक है, ब्रांडिंग हुई भी हार्ले की ओरिजिनल, और लगभग 5000 समथिंग का ये आता है। अगर आपको ऐसी पार्किंग में खड़ी करनी है जहाँ आपको डर लगे कोई पेट्रोल चुरा ले या कोई कुछ डाल दे पेट्रोल में, दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आप अगर आप अपनी गाड़ी को ऐसी जगह पार्क करते हैं जहाँ पब्लिक प्लेस है और आप कहीं किसी ऑफिस या रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और आपको काफ़ी 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं और आपको ये डर है कि आपकी बाइक में से कोई पेट्रोल चोरी कर लेगा या पेट्रोल टैंक में कुछ मिलावट कर देगा, तो उसके लिए ये एक सॉल्यूशन है, बेटर सॉल्यूशन है। दोनों बिल्कुल ओरिजिनल हाल ले गई हैं, ये स्टॉक है और ये कस्टम है। अब मैं इसे आपको लगा के दिखाता हूँ। इसे लगाना तो बहुत आसानी है, मैं पहले दिखा चुका हूँ पिछले शॉट में, ये देखिए ये चाबी है इसकी। अब ये हार्ले की ब्रांडिंग मिल जाएगी इस पर। दोनों में फ़र्क दिखा देता हूँ मैं। ये बिल्कुल प्लेन होता है मिरर, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल प्लेन है, मिरर फिनिश के साथ आता है, और ये आप देख सकते हैं इसमें ब्रांडिंग है, आप देख सकते हैं ब्रांडिंग है, ठीक है ना। अब मैं इसे आपको लगा के दिखाता हूँ, बिल्कुल लगाना वैसे ही जैसे जार लग पे ढक्कन लगता है। अब ये लग गया है, इसे स्लाइड करा, चाबी लगाई, और भाई कैसे लगेगा, ये अब लग गया है। अब इसे आप कितना भी घुमा लें ये नहीं निकलेगा। मैं सब खोल के दिखा देता हूँ और फिर दोबारा अपना स्टॉक वाला लगा के दिखाता हूँ दोनों में क्या फ़र्क होता है। अब ये खुल गया और ये खुल गया। अब मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ये स्टॉक, जब ये कटर कटर की आवाज़ आने लगे टिक 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 तो समझ लीजिए कंप्लीट लॉक हो चुका है, इसके बाद ये राउंड नहीं लेगा। और खोलने का तरीका ऐसे वही है, आप इसे रिवर्स कर दीजिए बिल्कुल ये आपके हाथ में आ जाएगा। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिमिलर, बस एक फ़र्क है कि हाँ थोड़ा सा वेट इसका हैवी है, ऑब्वियसली उसमें कुछ मैकेनिकल्स लगे हुए होंगे इसलिए वेट हैवी है, और ये इसमें लॉक लग गया। अब ये रिवर्स नहीं होएगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है, ओके। और थोड़ी सी ये आपकी जैसे एक बैचिंग दे देता है, अगर आपको क्लीन नहीं पसंद है, ये मिरर फिनिश दे रहा है, मेरा ही चेहरा दिख रहा है इसमें। और इसका एक फ़ायदा और होता है जिसलिए हमने दोनों ले रखे हैं लेकिन लगाई वाला रखा, जैसे हम मोटो व्लॉगिंग करते हैं उस दौरान हमें पता होता है कि गोप्रो ऑन है या नहीं है, ये थोड़ा सा इसका एक बेनिफिट है। इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, इसमें इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है, पर ये हाँ एक लुक अच्छा दे रहा है। हाँ तो ये एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था, एक एक्सेसरीज़ कह सकते हैं, सेफ्टी एक्सेसरीज़ कह सकते हैं इसे आप, एक कस्टम एक्सेसरीज़ भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपको बैचिंग मिल जाएगी हार्ले की ओरिजिनल, तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक देती है, तो आप इसे कस्टम एक्सेसरीज़ भी कह सकते हैं और सेफ्टी एक्सेसरीज़ भी कह सकते हैं। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, इन्फॉर्मेटिव लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें IRB ब्लॉग्स।